अल्लाम नाजिम मैं सैद मुशतबा हुसैन जैदी सफ़ीर टी वी में आपका खैर मकदम है आज के तीन जो मेन हेडलाइंस हैं वो इजिप्ट इथोपिया सूडान का एग्रीमेंट हो चुका है नील दरियाए नील के हवाले से और इराकी लीडर्स ने कहा कि पॉपुलर पौ, मोबलाइजेशन फ़ोर्स पर कल जो वहाँ पर छापे मारे गए वो अमरीकी इशारों पर हुए हैं और तीसरी जो आखिरी खबर है वो पोलैंड पौ, प्रसिडेंशल इलेक्शन है तो नाजिर आज हम पहला जो जिस पर बात करेंगे वो इजिप्ट का है इजिप्ट, इथोपिया सूडान ये तीन मुल्क है अफ्रीकन आफ्रिक, कंट्रीज़ है ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है ईस्टर्न कंट्री साइड आता है और ये वहाँ पर ये दरियाए नील का जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि दरियाए नील कम से कम नौ दस कंट्री से होते हुए गुजरती है और उस डील के में कई कई महीनों से वहाँ पर जो है एक बार्गेन चल रही है तीनों कंट्रीज़ के बीच में ये सूडान के एक बॉर्डर पे बनाया जा रहा है ये इथोपिया की जानिब से अडी सबावा एक शहर है वहाँ पर ये ये जो है डैम बना है और ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो चुका है फोर पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर का ये ये जो प्रोजेक्ट था और उसमें जो है इथोपिया ने कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिलिंग दैट डैम जो पहले जब उमूमा जब डैम बनता है तो खाली जगह पर बनाते हैं उसके बाद उसमें पानी भरने की वो शुरुआत होती है तो उस पर इजिप्ट की जो कंट्री है वहाँ अब्दुल फताल थी उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर उनकी हुकूमत ने एक एंगजाइटी जाहिर की उन्होंने परेशानी जाहिर की कि अगर पूरा पानी उस डैम में भर जाता है तो फिर दरियाए नील जो मिस्र तक जाती है उस उनको जो है उसका जो है उस पर उस, उस कंट्री पर उसके असरा पड़ेंगे और इजिप्ट का जो दरियाए नील है वो 90 परसेंट ऑफ द इजिप्ट इज़ डिपेंड अपॉन द रिवर नाइल तो बड़ी वहाँ पे एक टेंशन है एक किस्म की तो बहरहाल आज ये हुआ है कि तीनों ममालिक ने कहा कि एक uh, उन्होंने जो है होल्ड होल्ड पे रख दिया है ये टू स्टार्ट फिलिंग द डैम जो पानी जो डैम में भरने की जो इथोपिया ने जो एक डेट uh, डिसाइड की थी उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और कहा कि अगली जो बैठक है वो दो हफ्ते में होगी और दो हफ्ते के बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि कैसा उसको वहाँ पर जो है उसके आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पर डिसाइड करेंगे तो ये जो है बड़ी एक बड़ी एक टेंशन है और ख़ुद इजिप्ट के जो वहाँ के जो हुकूमत है वहाँ की जो डिफेंस के चीफ है उन्होंने हाल ही में कहा था कि आने वाले दिनों में हमको जो है हमारी फ़ौज को आगाह रहना चाहिए इसीलिए कि हम हमारी जो उनको, उनको उनके उनके अपने डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वक्त पड़ने पर हमको दूसरी कंट्री में भी जाकर हमारे एसेट्स को बचाना ज़रूरी है तो वो जो हवाला दे रहे थे लिबिया और ये सूडान है नथोपिया के हवाले से था ये पानी के हवाले से और जो नेबरिंग कंट्री लिबिया है वो इन दोनों कंट्रियों के हवाले से तो ये इसीलिए कि इजिप्ट एक बड़ा मर एक, एक मेन पावरफुल कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट में और उसकी सिक्योरिटी एक अहम रोल अदा करती है अगर वो कंट्री को कुछ असर होता है तो बाकी के अरब स्पेशली ये सऊदी अरब है कोवैत यूए वगैरह को भी जो है उस उसका जो है उसके कॉन्सिक्वेंस उसके असर जो है उन उन कंट्रियों पर भी दिखेंगे जैसा कि 2011 में हुआ था जब अरब स्प्रिंग के जब आया था तो जब भी, भी जो है ये कई ये इतने पूरे जितने अरब कंट्रीज में हर हर बड़े चौ चार, चौराहों पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बड़ा ये था इजिप्ट के हवाले से और जो दूसरा में जो जो एक ख़बर है वो ये है कि जो वह, कल वहाँ पर इराक़ के अंदर बगदाद में एक जो है पॉपुलर मोबलाइजेसन के बारह लोगों को वहाँ पे फाइटर्स को अरेस्ट किया गया हुकूमत की जानब से तो जो अल अलदिम जो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो उनका जो एक रोल रहा है वो बड़े कंट्रोवर्शियल रोल उनका रहा है इसीलिए कि पॉपुलर मोबलाइजेशन फ़ोर्स और ख़ास तौर पर जो खैसल खजाली उनका नाम है जो जो एक मौलाना भी है वो वो एक है वहाँ पर तो वो वो ख़तब हज़बुल्ला के वो हेड है उन्होंने जो है कई बार जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया के खासिम सुलेमानी के की इंटेलिजेंस शेयरिंग थी ये जब ए, जब इंटीरियर मिनिस्टर थे इन द मंथ ऑफ जनवरी अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है जब वो वह, वहाँ पर वो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर थे तो इन्होंने ये ख़तब हज़बुल्ला का इल्ज़ाम है कि ख़ादिम जो है जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने इंटेलिजेंस शेयर की अमेरिका अमेरिकियों के साथ तो बहरहाल एक अंदर जो है कोल्ड वॉर किस्म की चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन और ये पॉपुलर मोबलाइजेशन फ़ोर्स की जानब से और उसमें कई सारे अगर आप देखेंगे पॉपुलर मोबलाइजेशन फ़ोर्स हशद शाबी है उसके उसके तहत 40 अलग अलग किस्म के छोटे बड़े ग्रुप्स हैं उसके अंदर उसमें जो है ख़तब हजबुल्ला है खैस जो है दूसरे अलजवा एक एक ग्रुप है और उसमें और मज़ीद और कई सारे हैं तो ये ये लीडर्स जो है दे आर ओपनली दे आर इन इन फेवर ऑफ़ किकिंग आउट अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम द इराक़ वो जो है ओपनली उन्होंने कहा है कि फ़लाना हम जो है आ, अगर डेडलाइन से वो अमेरिका क्रॉस करता है और उनके ट्रूप्स वापस नहीं लेता है तो दे आर गोइंग टू आउट दे आर गोइंग टू किक द यू एस आउट ऑफ द इराक तो ये बड़ी एक धमकी है तो वहाँ के वहाँ पर इराक़ के जो जो वहाँ के जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स है उन्होंने कहा कि ये जो कल छापा वहाँ पे डाला गया और उसके बाद वो स्टिल दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन ये पूरी अमेरिकी जो है वहाँ पर अमेरिकी की दबाव की की, की, की वजह से किया गया है तो अमेरिका जो है हमेशा एक अपना असर व रसूख इराक़ के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस अपनी हुकु, हर हुकूमत में रखने की वो कोशिश कोशिश करते हैं और उनकी अगर एम्बेसी दे अगर देखेंगे तो एम्बेसी ये है कि उनकी एम्बेसी वो ग्रीन जोन में है और वेरी वेरी क्लोज वेरी वेरी नेक्स्ट टू दी पार्लियामेंट अगर आप देखेंगे अगर वहाँ का अगर वहाँ का जो जियोग्राफ़ी देखेंगे तो वो इसीलिए वो इतने क्लोज़ है वहाँ के लफ्जे जैसा वहाँ की पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंशियल के पैलेस के आसपास में ताकि वो हर हर मामलों में जो है अपना इन्फ्लुंस रखना चाहते हैं तो और इराक़ में जो इनका अमेरिकी फोर्स का एक बड़ा खाब था कि अपना वो आएंगे और जो है अपने पपेट को बिठाएंगे अपने एक, एक, किसी उ, उनके जो है एक फेवरेट आदमी को बिठाएंगे वो प्लान जो है जो है बड़ा बुरी तरीके से फेल हुआ है और उनको उन, वो जो प्लानिंग वो करके आए थे 2003 में उसके उनको जो है बड़े बुरे नतज मिले हैं उसके तो ये था भर इराक़ के हवाले से और जो तीसरा जो ख़बर है वो पोलैंड का इलेक्शन है पोलैंड देखिए ये एक रशियन का एक नेबरिंग कंट्री है एक्स यू का ये एक, एक हिस्सा था जो अब जो रूस है रशिया का एक के बाजू नेबरिंग कंट्री है पोलैंड तो ये वहाँ पर जो है एंड्री डूडा वहाँ के एक सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है अब जो ही इज़ द इनकम्बेंट कैंडिडेट अब जो उनको जो है ही इज़ ए डिफेंडिंग फॉर ए सीट राइट नाउ तो वहाँ पे उनका जो मेन जो कैंडिडेट है राफाल टोस की उनका नाम है वो जो है एक लिबरेटेरियन किस्म के है और वो मेयर भी रहे है वहाँ पे वारसा जो सिटी है वहाँ की कैपिटल वो वहाँ के मेयर है और उनका जो लेफ्ट Uh, कई सारे दूसरे मजीद जो दूसरे कैंडिडेट्स भी उस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं लेफ़्ट पार्टीज़ है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो कि एक बड़ी मशहूर एक्टर भी है पोलैंड के और और भी ये है कि ये डूडा जो वहाँ के जो जो प्राइम मिनिस्टर है सॉरी प्रेसिडेंश प्रेसिडेंट है वो हाल ही में आज से चंद दिन पहले वहाँ लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ वाशिंगटन डी में उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया ही वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट टू विजिट आफ्टर द कोविड वहाँ पे जो करोना वायरस के जब से कोई जो है कोई लीडर का आना जाना नहीं हो रहा है तो ये पहले प्राइम जो प्रेसिडेंट थे जो वॉशिंगटन डी सी गए और ट्रंप से उनसे मुलाकात की और एक बड़ी जो पॉलिसी शिफ्ट हो रही है हाल ही में डोनल्ड ट्रम्प ने यह कहा था कि ही इज़ गोइंग टू पुल बैक लाइक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्रूप्स फ्राम दंट्री जर्मनी एंड पुट दैम इन पोलेंड तो वो जो है पोले वहाँ से वो पच्चीस हज़ार को उठा के जो है पोलैंड में डालने की वो उनकी वो प्लानिंग में है तो ये बड़ी एक रेड लाइन है रशिया के लिए और इस पर जो है रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पुटिन का ही जो हुकूमत है उन्होंने जो है एक किस्म की वार्निंग भी दी है कि इसीलिए कि नेटो जब बना था और यू एस एस आर जब जब मुल्क जब टूटा था तो एक, एक जो माह हुआ था कि नेटो की कोई फोर्स भी जो है ईस्ट 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 ऑफ दी ये रशियन रशियन साइड जो है एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे बट बड़ अब अब देखते देखते ये हो गया है कि ऑलमोस्ट रशियन बॉर्डर के करीब आ गए हैं और ये ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंड्री डूडा जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है कई सारे डिफेंस पैक्ट साइन किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात की है न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर बनाने की बात की और उनकी जो एक बड़ी एक जो जो नेटो प्लानिंग है जो एक अमेरिकी प्लानिंग है वो भी ये है कि थ्री सी थ्री सी थ्री है वो जो है बारह ममालिक है छोटे छोटे बॉलकैनाइज ममालिक है उसमें पोलैंड है लिथुवेनिया है और कई सारे जो छोटे छोटे ममालिक है वो वहाँ पर ये ये जो है ये कंट्रीज है जिसको पोलैंड लीड कर रहा है तो ये पूरी ये जो ये जो फॉरेन पॉलिसी बाहर से डिक्टेट हो रही है अमेरिका से डिक्टेट हो रही है जस्ट टू काउंटर दी रशियन इन्फ्लुएंस और वहाँ पर अगर आप अगर वर्ल्ड के नक्शे में देखेंगे तो ये बारह ऐसे है कि इट्स लाइक क्रिसेंट एक चांद के टाइप में हैं और वो पूरा रशियन रशियन टेरिटरी को कवर करने की, की कोशिश में है कि रशिया का इन्फ्लुंस दूसरी वेस्ट ऑफ यूरोप ना हो तो एक बड़ा एक जियो गेम वहाँ पे चल रहा है पोलैंड में बाय रशिया बा, बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन तो बहरहाल और एक जो चौथी न्यूज़ ये है कि जो आज वहाँ पे ईरान के अंदर थर्टी थर्ड डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है जहाँ पर जो आयतुल्ला शहीद बेहज की उनके साथ जो है 72 लोग जो है पार्लियामेंट में वहाँ पर बम लगाकर उनको शहीद किया गया था उनके साथ 72 लोग की जान भी गई थी और ये जो ये जो वो जो, वो जो वो बम अटैक हुआ था ये एम के की जानब से हुआ था ये मुजाहिदीन खलख एक ग्रुप है जो जो ख़ुद अमेरिका की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रहा है कई कई बरसों कई बरसों तक इवन लास्ट ईयर तक भी तो अब उसको जो है उसको टेररिस्ट लिस्ट में से निकाल दिया गया है और अब उनको जो है एज एल आई और पार्टनर बनाया गया है अमेरिका की जानब से तो ये बड़े एक उसकी बात है कि अपने मफाद के लिए कई वो कई लोगों को जो है टेररिस्ट भी बनाते हैं फिर वही वही टेररिस्ट को फिर बाद में अपने मफाद के लिए दोस्त भी रखते हैं तो बहरहाल नाजिम यह था इंटरनेशनल हवाले से अपडेट है फिर हम आपको फिर दोबारा इसी प्रोग्राम में आपको कुछ आ, आने और अगले खबरें हम आपको लेटेस्ट आपको अपडेट करते रहेंगे देखने के लिए शुक्रिया वालेकुम आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें